हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी की तरफ से आए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेके एसएसबी की तरफ से आज की इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो एक और नोटिफिकेशन निकाला गया है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये एग्जाम्स के रिलेटेड ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप जहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया आज का, जहाँ भी इंपॉर्टेंट नोटिस जो निकाला गया है, इसमें बात की गई है प्रोविजन ऑफ कंपनसेंट्री टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो जो एक नोटिस निकाला गया है इसमें स्क्राइब और टाइम असिस्टेंट्स की बात की गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि PWDs कैंडिडेट्स हैं, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। आप जहाँ पे देख सकते हैं जे एग्जामिनेशन जो है जे के एस एस बी कंडक्ट करने वाली है, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हुज आइदर ब्लाइंड आर परमानेंटली डिसेबल्ड फ्रॉम राइटिंग विद हिज ओन हैंड मे चूज टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब। तो इनके लिए स्क्राइब की जो है फैसिलिटी दी गई है, यानी कि वो स्क्राइब अपना हायर कर सकते हैं। आर कंपनसेंट्री टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन, और कंपनसेंट्री टाइम जहाँ तो आप स्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ आपको कंपनसेंट्री टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का पर आवर्स के हिसाब से। ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे नेक्चर एम है इसके बारे में बताया गया, मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्रोवाइडेड द पोस्ट फॉर विच द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड आर अदरवाइज सूटेबल फॉर सच कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब जो बात की गई है जहाँ पे फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब फॉर सच कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल विद द फॉलोइंग कंडीशन, आप कौन कौन सी कंडीशन रखी गई है स्क्राइब के लिए। पहले तो कैंडिडेट जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा अपने लिए स्क्राइब टू अवेल द फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। सेकंडली पर्सन जो है इंगेज होगा स्क्राइब शुड नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर द सेम एग्जामिनेशन हिमसेल्फ, ठीक है, सेम एग्जामिनेशन का हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए। ही शैल नॉट बी अ स्टूडेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे जो है टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। एंड ऑल्सो नॉट आर रिलेटिव ऑफ द कैंडिडेट, ना ही कैंडिडेट का वो रिलेटिव होना चाहिए। उसके बाद स्क्राइब जो है वो स्टूडेंट होना चाहिए लोअर ग्रेड एजुकेशन का। तो जहाँ पे इस लाइन का सिर्फ यही मीनिंग है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है तो उसके लिए आपको जो जहाँ पे बात की गई है जो स्क्राइब होगा, जैसे आपकी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो जो स्क्राइब होगा उसकी क्वालिफिकेशन कम होनी चाहिए, यानी कि 12th उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप स्क्राइब को हायर कर सकते हैं। स्क्राइब जो है वुड नीड टू प्रोड्यूस अ वैलिड आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। स्क्राइब की जो है ओरिजिनल आईडी देखी जाएगी, आईडी प्रूफ देखा जाएगा जब एग्जाम होगा एग्जाम के टाइम। उसके बाद इफ़ अ कैंडिडेट इज डिटेक्टेड एज असिस्टिंग अनदर PWD कैंडिडेट एज स्क्राइब इन दिस एग्जामिनेशन द कैंडिडेचर ऑफ बोथ द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। तो जहाँ पे बात की गई है अगर कैंडिडेट जो है अगर जहाँ पे पाया जाता है कि दूसरे PWD कैंडिडेट की वो हेल्प कर रहा है एज स्क्राइब इस एग्जामिनेशन में, तो कैंडिडेचर जो होगी दोनों कैंडिडेट्स की कैंसिल की जाएगी। और कैंडिडेट जो होगा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ऑप्टिंग फॉर फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल ऑफ द स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर परफॉर्मा इन एक्सेल सेकंड। तो अगर आप स्क्राइब अपना हायर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जे आपको एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है वो सबमिट करके देना पड़ेगा। नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी अलाउड इन साइड द एग्जामिनेशन। तो अवेल फैसिलिटीज़ के लिए ये आप बताया गया है जहाँ पे देख सकते हैं, फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड आर कंपनसेंट्री टाइम इन टर्म्स ऑफ द कंडीशन गिवन अबव, अ कैंडिडेट शुड हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म एज PWD कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एंड एडिशन शैल हैव टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एन एक्सेस सेकंड, फर्स्ट में बताया गया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब एन एक्सेस सेकंड में, एडमिट कार्ड रोल नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्क्राइब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और फोटो कापी जो है स्क्राइब की, फोटो आईडी प्रूफ साइन जो है साइन बाय द कैंडिडेट एज वेल द स्क्राइब। तो जहाँ पे देख सकते कैंडिडेट हु विश टू अवेल अदर फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, जहाँ तो आप स्क्राइब के लिए फैसिलिटी कर सकते हैं, जहाँ आपके पास कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला आपको एक आवर्स के लिए, वन आवर्स के लिए आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिन दो जो है आपके फैसिलिटीज़ हैं दो में से आप एक अवेल कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये फॉर्मेट देख सकते हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, इस तरीके से आप इसको फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। सेकंड में जहाँ पे बताया गया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब के लिए ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप फिल करके इसको दे सकते हैं। तो ये जेके एसएसबी की तरफ से आज नोटिफिकेशन निकाला गया है, क्योंकि 29 नवंबर से जेके एसएसबी जो है एग्जाम कंडक्ट करने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं
अगर प्रॉपर तरीके से आप लिख नहीं पाते हैं तो आप अपने लिए स्क्राइब, या आपको अगर आप लिख पाते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको सबमिट करना पड़ेगा, मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर आवर्स के हिसाब से। जहाँ आप स्क्राइब करते हैं तो स्क्राइब के लिए आपको एज इट इज़ सेम टाइम दिया जाएगा, जैसे कि जनरल, जैसे कि एक जो है दूसरे कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।